नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम अपड़ उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों प्रदेश की व्यवस्थाओं को लेकर काफी सजग दिख रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। वहीं सीएम धामी ने अधिकारियों को नसीहत भी दी है, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालें, फाइलें एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर ना हो, हर मामले में कार्रवाई सही ढंग से की जाए। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे और इस दौरान वे गोलापार स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने हल्द्वानी में उच्च शिक्षा आवासी भवन का लोकार्पण किया और टाइप द्वितीय आवासी भवन एवं लघु निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। वहीं कार्यक्रम में संबोधित करते हुए रावत ने कहा कि कॉलेजों में छात्र छात्राओं को नशे से दूर रखने और नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाने के प्रत्येक कॉलेज में कमेटी बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य की श्रेणी में लाना है, साथ ही टीबी मुक्त उत्तराखंड, नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा उच्च शिक्षा का निदेशालय है, हमारे डायरेक्टर के लिए आवास की बड़ी दिक्कत थी, आज उसका विधिवत जो है हम लोगों ने लोकार्पण किया है। जो हमारे यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर रहते हैं और हमारे कार्मिक रहते हैं, उनके लिए भी आवासीय भवन के लिए 2 करोड़ रुपये सरकार की तरफ से दिए गए हैं और मुझे आशा विश्वास है कि ये भी जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। मोहन सिंह जी हम लोगों के बीच में, बाकी हम अपने राज्य में जो है ये सारी जो ऑनलाइन परीक्षाएं हैं, ऑनलाइन एडमिशन हैं, ये सारी जितने भी कंपोनेंट भारत सरकार ने और NEP 2020 में दिए गए हैं, इनको पूरा करने जा रहे हैं। आज आपने एक आदेश भी किया है कि नशे के संबंध में हर कॉलेज में एक कमेटी बनाई जाएगी। देखिए, जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा 2025 में, तो हमने 3-4 संकल्प लिए हैं। पहला तो यह है कि हम टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। दूसरा संकल्प हमने लिया है कि 100% उत्तराखंड साक्षर राज्य बनाएंगे। तीसरा संकल्प लिया हम लोगों ने कि नशा मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। ये 3-4 संकल्प हम लोगों ने लिए हैं और मैं आशा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट का हेडखान और आसपास के ग्रामीणों ने काठगोदाम थाने के आसपास घेराव कर लिया। दरअसल सांसद अजय भट्ट को आज मोटर मार्ग का निरीक्षण करने जाना था, उससे पहले ही आक्रोशित ग्रामीणों ने बीच सड़क पर सांसद का घेराव कर दिया। आपको बता दें कि भारी भूस्खलन होने से यह सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस सड़क के बंद होने से करीब 200 गांवों से पूरी तरह संपर्क टूट गया है। वहीं इस सड़क का इस्तेमाल को लेकर रीठा साहिब, चंपावत और नेपाल तक के लोग इस सड़क का उपयोग करते हैं। हेडखान और आसपास के गांव में मोटर मार्ग टूट जाने से काफ़ी परेशान हैं किसानों की फसल सब्जियां मंडियों तक पहुंचने से खेतों में ही खराब हो रही हैं। ऊपर से हमारी छोटी गाड़ियां निकल जाएं नदी में, ये हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है जिस गति से काम चल रहा है कल तक ये मार्ग खोल दिया जाएगा, ताकि कुछ सामान, दवाई, आवश्यक चीज़ें, दैनिक उपयोग की चीज़ें गांव तक पहुंच सकें। कोई अगर बीमार हो सकता है तो उसको हम ले आएँ, तो इसके लिए हमको 4x4 की जो हमारी जीप होती है, जीप भी इसमें आ सकती है नदी में। तो ये कोई पक्का बंदोबस्त नहीं है, ये तो है कि इमीडिएट हम क्या रेमेडी दे सकते हैं। बाकी दूसरी साइड से जहां आज सुबह हम देखने गए, वहां से वैकल्पिक मार्ग बनाने की बात चल रही है। जो हमने बीआरओ को बात करी थी दिल्ली, आर्मी की तरफ से भी, बीआरओ की तरफ से कल उनके चीफ इंजीनियर यहां आ रहे हैं, अभी मुझे PWD के अधिकारियों ने यहाँ बताया, कल सुबह उनकी बैठक भी हो रही है। अपनी तरफ से हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और जो सेक्रेटरी हमारे PWD और सेक्रेटरी जो फॉरेस्ट हैं, उन्होंने एक नोट मांगा है, वो नोट आज पहुंच जाएगा शाम तक। उसके आधार पर जो वैकल्पिक मार्ग बन रहा है करीब 3-4 किलोमीटर काट के, तो उसमें फॉरेस्ट लैंड जहां जहां पड़ रही है
उसका भी जल्दी से जल्दी हम लोगों को। वहीं उत्तराखंड में सभी पूर्व विधायकों ने मिलकर एक संगठन बनाया है, जिसमें पूर्व विधायकों ने संगठन में अभी तक 30 से 35 विधायक एकजुट हुए हैं। आपको बता दें कि सभी विधायक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मुलाकात की और उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय और अपने अनुभवों के आधार पर विचार विमर्श करेंगे। इसके साथ ही संगठन की रणनीति और अधिकारी ढांचा तैयार करने के लिए बड़ा कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक लखी राम जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार में क्या सब कुछ नहीं किस तरह से चल रहा है जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी जो पूर्व विधायक थे वो सरकार से संतुष्ट हैं, जिस प्रकार से चाहे हमारी विधानसभा की भर्ती रही हो, आज आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका वो किया है। और मैं समझता हूँ कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है, हर जगह सड़क, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, जितना सरकार सो पा रहा है, जो हमारी सोच थी उसी रूप में ये सरकार चल रही है। देखिए, हम पूर्व विधायक गण, हम चाहे किसी भी दल के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम भाजपा के हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहुत जिम्मेदारी से कार्य कर चुके हैं समाज का और कर भी रहे हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। प्रदेश की कुछ ज्वलंत समस्याएँ थी, उनको लेकर के, क्योंकि विधायक हों, उनकी संरक्षक जो है विधानसभा अध्यक्ष होती हैं, उनके पास जो अपनी बात रखने आए थे और बहुत ही सकारात्मक जो है उनका सुझाव रहा, पक्ष रहा, वो जल्दी ही जो है पूर्व विधायकों की भी एक समिति का गठन करने की बात उन्होंने की है, ताकि हम भी जो ज्वलंत समस्याएं हैं राज्य की, राज्य के हित में, जनता के हित में, हम भी अपना सक्रिय योगदान, सहयोग, सुझाव ये दे सकें। इसलिए जो है माननीय विधानसभा अध्यक्ष से मिलने आए थे। और जो विधानसभा में बैकडोर भर्ती का जो प्रकरण चला, उसमें उन्होंने बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई और कार्रवाई की, गलत नियुक्तियों को जो है निरस्त करवाया। माननीय उच्च न्यायालय ने जो है वो स्थगन आदेश दिया था, लेकिन आज वो निरस्त हो गया है, वो स्थगन आदेश माननीय अध्यक्ष जी के प्रयासों से, तो इसलिए भी उनको बधाई देने आए थे। यही वही विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही रितु खंडूरी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बैकडोर की भर्तियों को निरस्त कर दिया था। हालांकि मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विधानसभा सचिवालय में बर्खास्तगी 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिस आदेश को विधानसभा द्वारा खंडपीठ में चुनौती दी गई, लिहाजा आज खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेशों को निरस्त कर दिया, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है। तो वहीं हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले से कांग्रेस संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से की गई 228 कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई को आधी अधूरी बताया, साथ ही कहा कि राज्य की पहली विधानसभा से जांच होनी चाहिए। यही नहीं, इस कार्रवाई से जिन नेताओं ने अपने परिजनों की नौकरी लगवाई है वो सभी बच गए हैं। हालांकि किसी की नौकरी चले जाने से कांग्रेस खुश नहीं है, लेकिन जिन नेताओं ने नैतिकता को ताक पर रखकर नौकरियां लगवाई हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मेरा इसमें मत ये है कि निर्णय, ये जो कार्रवाई की गई आधी अधूरी है। हम 2001 से, जब से राज्य का गठन हुआ है, जब से विधानसभा बनी है, हम तो तब से जांच की मांग कर, इसमें सारे जो बड़े नेता लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों की नौकरी लगाई, वो तो सब बच गए। किसी की नौकरी से हाथ धुलाना या किसी की नौकरी चले जाने में हम लोगों को खुशी नहीं है। हमारा उद्देश्य था कि जिन नेताओं ने नैतिकता को ताक में रखकर, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, RSS या कोई भी, जिन्होंने योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों में डाका डालकर बैकडोर से अपने परिजनों की नौकरियां नैतिकता को ताक पर रखी, उनको पनिशमेंट होनी चाहिए थी। उनको जनता से सार्वजनिक माफ़ी मंगवाने का हमारा प्रयास था। और आज का जो निर्णय, हम किसी के बेरोजगार होने से खुश नहीं है, क्योंकि नेता तो अभी भी बचे हैं,
और नेताओं के परिजन भी बचे इस निर्णय में, वो लोग नहीं हैं ज्यादातर जो बड़े नेता अपने परिजनों की नौकरी लगाने में बैकडोर से कामयाब हुए। वहीं उत्तराखंड के चमोली में पोखरी मिनी स्टेडियम में युवा कल्याण के तत्वाधान में 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी और उप जिला अधिकारी कमलेश मेहता के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी ने कहा कि खेल में हार जीत मुख्य नहीं है, खेल में प्रतिभा भाग करना मुख्य है। वहीं चमोली जनपद खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर इस बार खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उप जिला अधिकारी कमलेश मेहता ने कहा कि खेलों के इस प्रकार के आयोजन से क्षेत्र में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, खेलों से ही शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, ऐसे खेलों का आयोजन समय समय पर होना चाहिए। कि 3 दिन ये लगातार ये खेल प्रतियोगिताएं चलेंगी। आज अंडर 14 की यहाँ पर आयोजन हो रहा है और 2 दिन अंडर आपका अंडर 17 और जो अंडर 21 के यहाँ पे स्पोर्ट्स होने हैं, और जो भी यहाँ पे खिलाड़ी फेस्ट आएंगे वो इसके बाद 28 तारीख से जिले में होने वाले खेल महाकुंभ में जाएंगे, भाग लेंगे। मॉर्निंग टू ऑल, माय सेल्फ सृष्टि गुरजवाल, आई एम फ्रॉम अटल उत्कृष्ट GIC नागनाथ। आई स्टडी इन क्लास 10। आई टुक अप फर्स्ट पोजिशन इन 600 मीटर रेस एंड माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड एंड दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू अस दैट वी गो इन डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड देन इन स्टेट लेवल। थैंक यू। खेल महाकुंभ 2022-23 के शुभ अवसर पर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई है। इससे पहले न्याय पंचायत लेवल पर ये प्रतियोगिता स्थापित हुई थी, जिसमें प्रथम स्थान पाने वाले अभ्यर्थी आज ब्लॉक स्तर पर प्रतिभा कर रहे हैं। आने वाले जो भी यहाँ से सेलेक्ट होंगे, फर्स्ट सेकंड स्थान के बालक बालिका सेलेक्ट होंगे, वो स्टेट लेवल नेशनल लेवल पर अपने प्रतिभा करेंगे। और आज आपने देखा होगा कि पहाड़ का बच्चा एक उभर के आ रहा है, पहाड़ में विशाल क्या ये बोलते बच्चा आज अपनी क्षमताओं में भरपूर है। और कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे बच्चे अभी नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रतिभा दिखाया है, हमारे कुछ बहनें भाइयों ने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रतिभा, जिसके पहाड़ के बच्चों को मैं आज अपने गाँव के छोटे ननिहालों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इनकी उज्ज्वल भविष्य के काम। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी। खेल महाकुंभ जो 2022 का आयोजन जो पोखरी के इस मिनी स्टेडियम में किया जा रहा है, सम्मानित समस्त बच्चों का और जो हमारे आयोजककर्ता हैं दीपक बिस्ट जी का, अहम भूमिका निभा रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बच्चों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वो आज उन्हें मिला है और मैं उन्हें अपना शुभाशीष देना चाहूँगी, वो अच्छे से खेलें और आगे निकलें। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, ऐसे कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन किया जाना है, इसलिए मैं आप उन सभी बच्चों का दोबारा स्वागत। वहीं उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में अब मॉडर्नाइजेशन कराया जाएगा, लेकिन इस फैसले से मदरसों के मौलाना खुश नजर नहीं आ रहे हैं। हरिद्वार के मदरसा संचालकों का कहना है कि समय समय पर मदरसों में नवीनीकरण कराया जा रहा है, चाहे वह NCERT से जुड़े या नहीं। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित मदरसा के प्रबंधक ने बताया कि अक्सर मदरसों की छवि को बिगाड़ने का कार्य किया जाता है, लेकिन इसके विपरीत मदरसों द्वारा इंग्लिश विज्ञान समेत मैथमेटिक्स की तालीम बच्चों को दी जाती है, ताकि आने वाले समय में बच्चे अपने भविष्य का खुद फैसला ले सकें। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड द्वारा मदरसे में ड्रेस कोड के फैसले को उन्होंने सही फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि मदरसे में पहले से ही ड्रेस कोड का नियम कायम है, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कोई भी नवीनीकरण मदरसों के लिए जरूरी नहीं है। की बातें जो फालतू ये यहाँ इस मुल्क के अंदर यही तो सबसे बड़ा रोना है, यहाँ सियासत करने वाले खामखागी बिना बात के वो ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं, बकवासबाजी ज़्यादा करते हैं। मदरसों की पोजीशन को मजबूर करने के लिए
बकवासबाजी की जाती है, मदरसे हैं या इनमें ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो ड्रेस तो हमारे मदरसे में देख रहे आप, सफ़ेद बच्चों फिर रहे हैं, देखिए जरा, देखिए आप सफ़ेद बच्चा, आप नीचे जाइए लड़कियों का सबका ड्रेस है, तो उसमें क्या दिक्कत है, ये कोई चीज़ बुरी नहीं है अगर ड्रेस कोड आती है, मतलब बच्चे जो है अपने मदरसे वाले जो है अपना अपना यूनिफार्म बच्चों का पहनने का मुतय्यन करते हैं, तो उसमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं, ड्रेस कोड यानी पहनने का कपड़े ही उसी के बारे में आप सवाल कर लेना, तो उससे हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जो है ला रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया कि हमारे मदरसे में 1000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मजहबी तालीम के साथ साथ जो है वो बच्चा जो इंग्लिश ना पढ़ रहा हो और साइंस ना पढ़ रहा हो और जनाब वो गणित ना पढ़ रहा हो, सारे मजामीन जो है जो वो हिंदी से मुताल्लिक है। वहीं हरिद्वार जिले का सेवा योजन कार्यालय आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि जिला सेवा योजना अधिकारी अनुभा जैन अक्सर अपने कार्यालय में मौजूद नहीं रहती, जिसके चलते बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शुक्रवार को भी जिला सेवा योजना अधिकारी बिना सूचना के छुट्टी पर थी। जब क्षेत्रवासियों ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से इसकी जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि सेवा योजना अधिकारी द्वारा फ़ोन पर ही छुट्टी की बात कही गई, उनके द्वारा अभी तक कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिया गया है। प्रदेश सेवा योजना विभाग के डायरेक्टर हरबीर सिंह द्वारा भी जिला सेवा योजन अधिकारी पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। बीजेपी पार्षद सचिन अग्रवाल ने बताया कि जिला अधिकारी और SDM को कई बार जिला सेवा योजन अधिकारी की न तो मौजूदगी की शिकायत कर रखी है, लेकिन अधिकारी द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। तक यहाँ कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन उनकी दूरभाष पर वार्ता हुई थी तो उन्होंने कहा कि आज मैं लीव पर हूँ, मुझे ये बोला कि मैं आज लीव पर हूँ। नहीं, मेरे को कुछ नहीं बताया। पिछले लगभग 30-35 दिनों से हम यहाँ पर लगातार हमारे क्षेत्र के बच्चे आ रहे हैं और हम भी कई लोगों की सिफारिश करते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पर, तो पिछले लगभग एक महीने से ऊपर हो गया कोई काम नहीं हो रहा है, ना यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, जो इनकी बड़ी अधिकारी थी वो कोई यहाँ मिलती नहीं थी, तो इसलिए हमने इसके विषय में लगभग हमने 5-6 बार DM साहब को भी शिकायत की है और अन्य लोगों से भी कराई, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हमने शिकायतें कराई हैं, तो इस प्रकार की अगर दिक्कत आएंगी तो ये तो बहुत हमारे लिए गंभीर विषय है। तो कर्मचारियों ने आपको क्या कहा जब आप मैम से मिलने गए? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मतलब कितना नुकसान हो रहा होगा बच्चों का? बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस समय, तो हमने सुनने में आया जब इतने सारे रजिस्ट्रेशन के बच्चे खड़े हैं उधर, देखो आप साइड में भी खड़े, कोई हो ही नहीं रहा, तो इस प्रकार का तो बड़ा दुखद विषय है हमारे लिए। वार्ड से पिछले एक महीने से कई बार शिकायत कर आई है बच्चों की, कि कई बार बच्चे आते हैं यहाँ पर ताला लगा मिलता है, और इस चीज़ के लिए मैंने SDM साहब को ही फ़ोन किया, मेरी DM साहब से मेरी इस विषय में वार्तालाप हुई, उनकी तरफ से भी सिर्फ आश्वासन मिलता है कि आप कल भेज दीजिएगा, और डेली बच्चे आते हैं अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ से वापस चले जाते हैं। मैडम, ना होने से कितनी असुविधा मानते हैं फिर डिपार्टमेंट? नहीं, असुविधा तो है ही, बहुत ज़्यादा असुविधा है भाई, जो बच्चा सुबह अपने घर से निकल रहा है सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ आ रहा है और उसका रजिस्ट्रेशन ना हो पाए, तो दुग्ध विषय है ना बहुत ज़्यादा। बच्चा आ रहा है किसी आस से आ रहा है और उसकी आस भी पूरी होने क्या फ़ायदा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रमेश मेखुरी ने PWD गेस्ट हाउस में गोपेश्वर पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम पार्टी करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 5 दिसंबर तक जिला कार्यकारिणी और 15 दिसंबर तक मंडल कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाएगा। जिले के 18 मंडलों में भी भ्रमण कर चुके हैं, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने खासा उत्साह देखने के लिए मिला है। आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी ने कमर कस ली है। वहीं जनता और ब्यूरोक्रेसी के बीच संवादहीनता के देखते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले के मुख्यमंत्री बात करके वहीं उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में प्रशासन ने अतिक्रमण को JCB की मदद से ध्वस्त किया है। प्रशासन ने कुछ दिनों पहले ही अतिक्रमण को चिन्हित कर दिया था और लगातार इसके लिए व्यापारियों से अपील की जा रही है कि वो अपना अतिक्रमण खुद हटा लें। जिन्होंने नहीं हटाया था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं इसे लेकर मीना बाजार के समस्त व्यापारी चेयरमैन हरीश दुबे के साथ तहसीलदार से मुलाकात करने पहुंचे और तहसीलदार को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं चेयरमैन हरीश दुबे ने बताया कि मीना बाजार के व्यापारियों को नाजायज उजाड़ा जा रहा है, जबकि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया और मीना बाजार जहां पर दुकानें लगी हैं वह कोई लिंक रोड
नहीं है। ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देने आए थे उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, लेकिन चूंकि वो आज नहीं है तो इसलिए हमने तहसीलदार महोदय को दिया है। और ज्ञापन में ये मेरे द्वारा कहा गया है, उसके अंदर जो कल लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासन के सहयोग से मीना बाजार के व्यापारियों को जो उजाड़ा गया है वो माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है, उल्लंघन किया गया है, उसी को लेकर मैंने करा है। क्योंकि इसमें मान लीजिए जो वहाँ पे परिवहन निगम द्वारा जब वहाँ रोडवेज की स्थापना करी गई तो जो मीना बाजार की तरफ रास्ता निकाला गया वो बिल्कुल गलत है। वो रास्ता जो है कि महाराणा प्रताप चौक से विष्णु चौक को जो रास्ता जाता है उसके बीच में निकाला जाना था, वहाँ भी जमीन लोगों ने अतिक्रमण कर रखी, सरकारी भूमि पर्याप्त है, लेकिन वहाँ पर इन्होंने नहीं करा, एक रंजीशन जो है रास्ता यहाँ से खोला। दूसरा यह है कि हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि जब तक नगरपालिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर देती वेंडिंग जोन को, उस वेंडिंग जोन को जिसमें जो है कि वेंडर्स, जब इन्होंने कमेटी बनाई तो उस कमेटी में ना तो हम चेयरमैन को रखा, ना नगरपालिका के किसी सदस्य को रखा, ना इन व्यापारियों को रखा, किसी को नहीं रखा। इन्होंने मनमानी तरीके से अपने ही तरीके से जो है कि वेंडर जोन की स्थापना कर दी, उसका लगातार विरोध जो है वेंडर्स भी कर रहे हैं, हमारा बोर्ड भी कर रहा है, सारे प्रतिनिधि कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई सुनवाई नहीं करी, इन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया। हाईकोर्ट ने यह कहा कि पूर्ण रूप से जब तक आप वेंडर जोन को स्थापित नहीं कर देंगे, विकसित नहीं कर देंगे, तब तक इनको नहीं हटाया जाना चाहिए था। और 15/11 तक, इसी 15/11/2022 को जो है हमको जो है वो सीमांकन करके, नगर पालिका को सीमांकन करके राजस्व विभाग ने ये जमीन हमको दी है, तो अभी इतनी जल्दी तो विकसित हो नहीं पाएगा, 50 लाख से ऊपर की धनराशि चाहिए, उसमें बहुत सारे काम होने, 1-1.5 साल लगेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर इन्होंने हटाया तो माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करी है, इसके लिए हम उच्च न्यायालय भी जाएंगे, लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जाएंगे, जो सहयोगी इनके जो संस्थाएं रही उनके साथ, उन लोगों के खिलाफ हम जो कोर्ट की अवहेलना करी उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट जाने की पूरी तैयारी में, उसको लेकर आज हमने मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञापन दिया है। चेयरमैन साहब एवं अन्य जो मीना बाजार के व्यवसायी हैं उनके द्वारा एक सामूहिक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन देहरादून के नाम संबोधित उपलब्ध कराया गया है, जिसमें दिनांक 23/11/2022 को जो मीना बाजार में जो अतिक्रमण हटाया गया था उसकी। फिलहाल आप लोग उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही, बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।